सभी पूज्य संत जन और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भगवान भाई पटेल जी और भारी संख्या में धानेरा विधानसभा सीट से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं गुजरात की इस धरा को नमन करता हूं जहां के अन्नदाता किसानों ने गुजरात के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जनपद के इन किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी देकर के अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक अद्भुत कार्य किया। मैं नमन करता हूं इस धरती को जो संतों महापुरुषों और अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम निरंतर देती रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, ये गुजरात की धरती ने सदैव एक नई प्रेरणा दी और बनासकांठा तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बनास डेयरी उसकी एक जीती जागती उदाहरण है। आज से 50 वर्ष पहले बनी वह डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी में आज अपना नाम बढ़ाती हुई लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन ला करके न केवल उनके जीवन को आगे बढ़ा रही है बल्कि हमारी गौ माता की रक्षा का काम भी कर रही है। भाइयों बहनों, जिस धरती पे गौ माता की रक्षा होती होगी उस धरती पे कभी अभाव नहीं हो सकता है और यह आप सबने करके दिखाया है। वैसे भाइयों बहनों, गुजरात की धरती बड़ी पुण्य की धरती है। जब मध्यकाल में देश जातीयता के भंवर में पड़कर के तमाम प्रकार की सामाजिक विकृतियों का शिकार हो रहा था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से जन जागरण का एक विराट अभियान अपने हाथों में लिया था। जब देश की आजादी की लड़ाई कैसे होनी है, किम कर्तव्य विमूढ़ किस स्थिति देश के सामने थी, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी गुजरात की धरती ने देश को दिया, जिनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए भारत आज स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है। स्वतंत्र भारत को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक रहे, वो कई टुकड़ों में इसको बांटना चाहते थे। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के कारण वर्तमान गणराज्य की स्थापना की, वर्तमान भारत के शिल्पी कहे जाते हैं, गुजरात की धरती ने ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को दिए। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति इस बात को जानता है,